नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भयंकर आकाशीय बिजली गिरने को लेकर आ रही है। जी हां साथियों, बता दें देश के कई राज्यों में इस वक्त मौसम बिगड़ा हुआ है और लगातार बेमौसम भारी बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात हो रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों आम जन जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी आंधी की वजह से दोस्तों जो बड़े बड़े पेड़ हैं धराशायी हो गए हैं, बिजली भी गुल है, अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है राजस्थान के धौलपुर से। राजस्थान के धौलपुर जिले में अचानक आंधी और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। आंधी से लोगों के घरों के टीन के शेड, छप्परपोश मकान, पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हो गए हैं। इस वजह से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र के शंकरपुर गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से 7 बच्चे और 1 महिला बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के शंकरपुर गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से गांव के 7 बच्चे झुलस गए, जिन्हें सरपंच ने अस्पताल में पहुंचाया। उन्होंने बताया कि गांव में एक मकान पर बिजली गिरने से घर के अंदर चंदा नाम की एक महिला और 7 बच्चे नैतिक, टिंकू, दीपू, रौनक, मुस्कान, रविंद्र और भावेश झुलस गए हैं। बिजली की कड़कड़ाहट से बच्चों के कान बंद से हो गए हैं, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। सभी बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया है कि मौसम का अचानक मिजाज बदलने और तेज आंधी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। आंधी से टीन शेड उड़ने लगे, जिससे लोग उनकी चपेट में आ गए। क्षेत्र के गांव शंकरपुर में बिजली गिरने से कुछ बच्चे भी झुलस गए हैं। साथियों, वैज्ञानिक बताते हैं कि जब भी आकाशीय बिजली किसी स्थान पर गिरती है और वहां पर आम जन जीवन हो, तो दोस्तों बताते हैं कि जो सिर के बाल हैं वो आप ही खड़े हो जाते हैं। तो यह एक संकेत है आकाशीय बिजली गिरने का। वहीं साथियों अलर्ट करते हैं वैज्ञानिक कि जब भी मौसम खराब हो तो आप मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाएं, क्योंकि दोस्तों तरंगों की वजह से आप भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हर अपडेट पाने के लिए चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।